Hello students, I am Mahmud Joseph Lord, lecturer of commerce by the High Secondary School Yunsu. Today I have chosen a topic for class 11th, trade credit, and the subject is business studies. जब हम business start करते हैं तो पहले हम capital जो हम contribute करते हैं business से business में उसी से बिजनेस स्टार्ट हो जाती है। इस कैपिटल को हम जो इन्वेस्ट ओनर करता है जिस किस्म की भी, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या और कोई बिजनेस हो, तो कैपिटल से ही शुरू हो जाती है। कैपिटल को हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल तो ऑलरेडी हम प्लान करते हैं कि हमारे हमें कितना लगेगा। वर्किंग कैपिटल जो है, वर्किंग कैपिटल कभी हमें इंक्रीज करना पड़ता है, कभी डिक्रीज के भी हमारे पास मौजूद भी रहता है। यानी जब जैसे भी नेचर ऑफ बिजनेस होगा, जब हम बिजनेस में आगे जाते हैं तो कभी कभार हमें इस कैपिटल की, मोर कैपिटल, वर्किंग कैपिटल जो हमारे पास होता है, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम ट्रेड क्रेडिट का सहारा लेते हैं। यानी एक फर्म दूसरी फर्म से उधार लेती है कुछ दिनों के लिए, चाहे पीरियड कम हो लेकिन उधार लेती है। यह एक सोर्स है अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोकल स्मॉल बिजनेस यूनिट्स में भी जाएंगे, लोकल दुकान जो हमारे पास होते हैं, शॉप जो होते हैं, जब ओनर्स बाजार जाते हैं, होलसेलर के पास जाते हैं, कभी कभार उनके पास पैसा बराबर नहीं होता है। वो उनसे कहते हैं, होलसेलर से रिटेलर कहता है कि आप दो गाड़ियां या चार गाड़ियां, फॉर एग्जांपल को सीमेंट चाहिए, मैं एक गाड़ी के पैसे बाद में भेज दूंगा, इसको क्रेडिट, मुझे क्रेडिट चाहिए। तो अगर ये एग्री दोनों हो जाते हैं, होलसेलर रिटेलर या मैन्युफैक्चरर होलसेलर, दोनों एग्री हो जाते हैं, तो ये एक सोर्स बन जाता है बिजनेस के लिए। इस कैपिटल जो इनके पास होता है, इसके अलावा एक सोर्स बन जाता है विच इज नोन एज ट्रेड क्रेडिट। इस ट्रेड क्रेडिट के बहुत सारे फायदे हैं। इससे हमारी बिजनेस जो है, बिजनेस आगे जाती है, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, जो मार्केट में हमें डिमांड्स आती है, अगर हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम कम हो, हमारे पास कैपिटल कम है या वर्किंग कैपिटल की कमी हम महसूस करते हैं, तो हम इस सोर्स का सहारा उस वक्त लेते हैं। इस सहारे के साथ हम अपने बिजनेस को आगे ले जाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, हमने 10 लाख में सामान लाना था, हमारे पास 8 लाख है, तो उनसे हम बातचीत करके 2 लाख जो का डिफरेंस है, वो उस फर्म से हम उधार लेते हैं और उस उधार को बैंक में हम पूरा कर लेते हैं। तो दूसरा, यानी इसी तरह से बिजनेस चलती रहती है। इसको हम कहते हैं, जो एक फर्म दूसरी फर्म को उधार कुछ दिन के लिए दे दे, जिनके साथ काम चलता हो, उसी को हम ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। इसके फायदे बहुत हैं। इट प्रमोट द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दोनों के लिए फायदा है, मैन्युफैक्चरर हो या होलसेलर हो। मैन्युफैक्चरर्स को आइटम ज्यादा सेल हो जाते हैं, उनके पास जो होता है ज्यादा निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको 100 बैग सीमेंट लेना था, इसने ट्रेड क्रेडिट का सहारा लेकर 200 बैग ले लिए, दोनों को फायदा हुआ। इसको भी बिजनेस चलेगी, होलसेलर को भी रिटेलर के, दो रिटेलर को या किनको इनको कवर कर लेना है। दूसरी बात है, जो मैन्युफैक्चरर है उसको भी फायदा होता है, उसको यूनिट्स जो प्रोड्यूस वो करता है, वो आगे ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। देयरफॉर इट प्रमोट्स द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, पहला फायदा। दूसरा फायदा है इसका, इट इज ए कंटिन्यूअस एंड कन्वीनिएंट सोर्स ऑफ, कंटिन्यूअस, एक ले लिया वो वापस कर लिया, फिर हम ले सकते हैं। देयरफॉर दिस इज कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ फंड। यानी फंड जो है, ट्रेड क्रेडिट का सहारा जो हमने ले, ये कंटिन्यूअस है। हम जाते हैं, पुराना चुका देते हैं, नया ले लेते हैं। एंड कन्वीनिएंट सोर्स ऑफ फंड्स, और हमें इजीली मिल, कन्वीनिएंट है, कोई परेशानी इसमें नहीं लेनी पड़ती है हमें, ये हमें अवेलेबल होता है। थर्ड है, दिस सोर्स इज वेरी बेनिफिशियल इन केस व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू इंक्रीज इट इज inventory level in order to meet the expected rise in the sales volume in near future. अगर ये चाहता है, कंपनी चाहती है, प्रोड्यूसर चाहता है
मैन्युफैक्चर चाहता है कि मैं अपने इसको आगे ले लाऊं, मैं आगे ले लूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर लूं, तो वो हिचकिचाता नहीं है अपने रिटेलर्स को, अपने होलसेलर्स को इस ट्रेड कर देने में। ये भी फायदा उसके लिए भी कि वो उसका सेल्स वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। फोर्थ है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ दिस सोर्स इज दैट इट डज नॉट क्रिएट एनी चेंज ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। यानी अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती तो हमें बिजनेस के एसेट्स को बेचना पड़ता तो ये पैसा हम अरेंज कर लेते, लेकिन इसलिए इस जब ये सोर्स हमें अवेलेबल हो जाता है, हमारी बिजनेस जो है होती है उसकी एसेट्स पर इसका कोई असर नहीं, हमारी एसेट्स अपनी जगह रहती है और ये सोर्स इसके अवेलेबल होने से हम अपने ज़रूरियात को, हम अपने इस नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं इस ट्रेड क्रेडिट का सहारा लेने से। नंबर फिफ्थ है, द सोर्स इज़ वेरी ईजली अवेलेबल। जब हम किसी के साथ काम करते हैं वो हमें जानता है, जान पहचान हो जाती है, उसको पता है यानी लोकेशन ऑफ बिजनेस कहाँ पर है, कहाँ रहता है, सब कुछ डिटेल जब उसके पास पता है, हम उसके साथ यानी अपना ये बिजनेस यूनिट जो एक फर्म दूसरे के साथ कर लेती है, इनका यानी अच्छी जब अच्छे ताल्लुक जब इनके हो जाते हैं तो इसको ये सोर्स जो है ये ईजीली अवेलेबल। वो कहता है कि आज पैसे नहीं है, मुझे 2 लाख का यानी उधार चाहिए, 1 लाख देता हूँ, 2 लाख का उधार चाहे, ईजिली अवेलेबल हो जाता है। वो उसको कहता है कुछ परवाह नहीं, ले लो, बाद में दे देना, कुछ लिमिटेड टाइम के बाद वापस कर लेना। व्हेन इट दिस सोर्स इज वेरी ईजिली अवेलेबल व्हेन द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द कस्टमर्स इज नोन टू द सेलर्स। यानी जो कस्टमर्स है जो लेते हैं इसे, जब इनको नोन यानी पता होता है कि ये कैसा, इसकी वर्थनेस क्या है, ये चुका सकता है, ये वापस, इसका जो ऑनेस्टी है, जो इसने नाम अपना कमा लिया है वो ठीक है, तो इजीली अवेलेबल होता है ये सोर्स ऑफ फंडिंग इसको अवेलेबल। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ये हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, यानी अच्छाइयाँ भी होती है, बुराइयाँ भी होती है। फर्स्ट है, दो दिस सोर्स इज लिमिटेड, दो through the source is limited amount of funds can be raised. यानी through the source, इस source से हम limited amount, यानी सा फॉर एग्जाम्पल हमें 20 लाख का कारोबार कर लेना है, 2 लाख का मिल सकता है, यानी सारा तो नहीं दे सकते, कुछ अमाउंट है, दिस इज लिमिटेड सोर्स ऑफ फंड, दिस इज यानी वी कैन राइज फंड, लिमिटेड फंड कैन बी रेज्ड विद दिस सोर्स नंबर सेकेंड है, दिस इज ए कॉस्टली सोर्स। हम जानते हैं जो हम नकद पैसे में माल लाते हैं वो कम कॉस्ट में मिल सकता है, उसका इसके प्राइसेस जो होते हैं कम होंगे, अगर हमने उधार कुछ लाना है तो उसमें प्राइसेस थोड़े से अप हो जाते हैं, देयरफॉर दिस इज कॉस्टली सोर्स। इजीली अवेलेबल इज रिस्की। तीसरा डिसएडवांटेज क्या है कि जब ये सोर्स इजीली अवेलेबल होता है, लेने वाला तो लेता है, पता ही नहीं चल जाता है कि कितना इसके अब कितना कर्जा इसने ले लिया है, देयरफॉर दिस इज रिस्की। कभी कभार यहाँ पर ये वापस चुकाना मुश्किल हो जाता है, देयरफॉर दिस इज रिस्की सोर्स ऑफ फंड्स। थैंक यू।